वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज की तारीख है 13 अप्रैल और वेनेसडे का दिन है। 11:11 हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा सेटअप मुझे आज ट्रेड करने को मिला है। टोरेंट पावर को आज मैं शॉर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। निफ्टी भी डाउन फॉल कर रहा है तो एक अच्छा स्टॉक मिला है, तो हमने अभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रखा हुआ है 564.50 का, ठीक है। एंड जो टारगेट प्लेस किया है 545.50 का, ठीक है। हमने एंट्री यहाँ पे बनाई है 561.30 पे, तो अभी हमने जस्ट इसमें एंट्री बनाई है और स्टॉप लॉस हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो ठीक है, तो ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो इस ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया हूँ, ठीक है, इसका सारा लॉजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ये ट्रेड को पूरा हो जाने देते हैं और इसमें स्टॉप लॉस था या टारगेट, ये देखना देखते हैं स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ और ये चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्यों ये ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। और हमें इसमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये प्राइस मूव कर रहा है, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टोरेंट पावर को जो हमने मॉर्निंग में शॉर्ट किया हुआ था उसका हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, ठीक है। हालांकि टारगेट जो मैंने 45.50% रखा था, थोड़ा सा उसको फर्दर मॉडिफाई करके मैंने 40, इसका जो टारगेट है 46.10% का लगाया था, तो अभी मुझे वो मिल गया है, ठीक है। तो एक डिसेंट रिस्टो रिवॉर्ड रेशियो रहा है यहाँ पे, 1:1.5 का हमें यहाँ पे रिस्टो रिवॉर्ड रेशियो मिला है। अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ, ठीक है, हमारा जो रिस्टो रिवॉर्ड रेशियो है ऑलमोस्ट 1:5 का है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट जो रिस्टो रिवॉर्ड रेशियो हमें मिला है वो एक 1:5 के आसपास का रिस्टो रिवॉर्ड रेशियो है। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि क्या रीज़न था इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ था और किस लेवल से इसको मैंने शॉर्ट किया था, मतलब क्या कन्फर्मेशन मैंने इसमें लिया था शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर डेली चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको समझिए ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइनें डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने टोरेंट पावर का एक्चुअली मुझे आज स्टॉक जो थे मोस्टली मुझे शॉर्ट साइड के लिए स्टॉक चाहिए था, तो मैं वो स्टॉक को ढूंढ रहा था जो अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे टोरेंट पावर अपने रेजिस्टेंस के आसपास मिला, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जब इसको देखा तो इसका अगर आप मोमेंट देखो तो एक तरफा मोमेंट है, ठीक है। बेसिकली जब ऐसे मोमेंट आते हैं मार्केट में ज़्यादा सस्टेन नहीं करते, यानी कि इसमें रिट्रेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ये डेली चार्ट पर मुझे एक कंफर्मेशन ये लग रही थी। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट इसका लेवल्स था वो था ये। अब वो इस लेवल्स का इम्पोर्टेंस लेता क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ये कल का जो है प्रीवियस मतलब परसों का यहाँ पे हाई लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कल इसने इस हाई को तोड़ने की कोशिश करी बट प्राइस इसके अंदर आ गया और प्राइस में जो वॉल्यूम्स था, ठीक है, वॉल्यूम्स जो प्रीवियस वॉल्यूम्स था बायर्स का उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स था और प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ से भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया हुआ और यहीं से प्राइस यहाँ पे गिरा हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी नज़र बनाए रखा। तो जब मुझे प्राइस इसके आसपास दिखा तो कन्फर्मेशन के बाद ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। कन्फर्मेशन मुझे किस तरह मिल रही थी कि यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जब यहाँ प्राइस आया तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखने को मिला। और इसके बाद थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए था कि यहाँ पे सेलर्स तो है लेकिन जो बायर्स है क्या उनका प्राइस टूट रहा है। बायर्स का प्राइस टूटना इन द सेंस कि बहुत सारे बायर्स जो होते हैं उनके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो प्राइस में डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आने की कोशिश संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेरा क्या था कि मैंने इसको देखा कि बायर्स का जो वॉल्यूम्स था उसको मैंने देखा, तो ये बायर्स का वॉल्यूम्स यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हायर हाई मतलब वॉल्यूम प्राइस में हायर हाई और साथ में वॉल्यूम्स था, तो मैं ये देख रहा था कि इस प्राइस को जैसे तोड़ता है तो मैं इसको एंटर कर जाऊँगा, ठीक है। तो बस इसका वेट कर रहा था, वॉल्यूम्स नहीं सिर्फ मैं प्राइस का वेट कर रहा था क्योंकि वॉल्यूम्स का कन्फर्मेशन मुझे यहाँ मिल गया था। अब मुझे सिर्फ एक प्राइस कन्फर्मेशन चाहिए था कि प्राइस के नीचे टूट करके क्लोज करे, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्राइस ने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, जैसी, तो मैंने इसको आपको एक मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसी प्राइस ने इसके नीचे तोड़ करके क्लोजिंग दी, ठीक है, तो मैंने अपना ऑर्डर यहाँ लगा दिया। एग्जैक्टली अपना ऑर्डर यहाँ पे मैंने अराउंड 61 पे लगाया था, 61.40 पे लगाया हुआ था, 61.40 के आसपास हमें अपना यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एंट्री। ओके, तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिली,
तो मेरी एंट्री लेने के बाद एग्जैक्टली प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके सीधा नीचे के लिए, नीचे की तरफ। इसके अंदर मूवमेंट आप देख सकते हो, सीधा सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई और हमें यहाँ पे एक तरफा मूवमेंट मिला और हमारा टारगेट हमें बहुत आसानी से यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, तो ये था इसका लॉजिक फ्रेंड्स को ट्रेड करने का। और जो टारगेट मैंने रखा था प्रीवियस डे के लो के आसपास रखा हुआ था, जो कि हमें आसानी से मिल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल ट्रेड था, इस वजह से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। खास करके आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं, और वहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्मेशन लेना होता है कि वॉल्यूम्स का क्या कंफर्म कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम आ रहे हैं और साथ में जो बायर्स की वॉल्यूम है क्या उनका प्राइस टूट रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करके ट्रेड एक्जीक्यूट करना होता है। और साथ ही साथ हमें निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि निफ्टी का मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ था ये वाला, तो निफ्टी ने जब अपना सपोर्ट तोड़ना शुरू किया तो मुझे और एडिशनल कन्फर्मेशन मिल गई कि शायद अभी ये भी टूटने की तैयारी में। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। हालांकि मैंने एक ट्रेड पहले इससे पहले एग्जीक्यूट किया हुआ था, इस वाले ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था दीपक नाइट्राइट को, तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, बट इसको मैंने यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया। ठीक है, इसको एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मुझे बाद में ये समझ में आ गया था कि प्राइस का जो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग जोन की फॉर्मेशन थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जब भी आएगा इसको यहाँ से नीचे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। भले मार्केट नीचे जा रहा हो लेकिन इसके अंदर सपोर्ट जब फॉर्म हो गया तो मैंने इसको इसलिए एग्जिट किया क्योंकि इसको नीचे जाने के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर ये ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया टॉरेंट पावर को। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन बुक अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मैंने रिस्क जो था ओनली 400 रुपीज़ का यहाँ पे लिया हुआ था, ज़्यादा रिस्क नहीं था हमारा, तो आप देख सकते हो 2000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो शॉर्ट किया था 561.39 पैसा यहाँ दिखा रहा है और 546.10 पैसे भी हमने इसको बाय बाय कर लिया। ठीक है, और दूसरा जो था दीपक नाइट्राइट को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। और कल भी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था फ्रेंड्स इमामी को, बट उसमें हमारा टारगेट एग्जीक्यूट मिल नहीं पाया क्योंकि मार्केट का सपोर्ट नहीं था। कल मैंने बाय किया हुआ था इमामी लिमिटेड को, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया हुआ था, प्राइस ऊपर गया बट टारगेट तक जा नहीं पाया और लास्ट में मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट कर लिया। और देखिए इसका टारगेट आज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो कल देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट निकाला था और यहाँ पे इसका टारगेट आज मिल रहा है हमें, कल मार्केट सपोर्ट नहीं था। ठीक है, तो मार्केट का सपोर्ट होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टडी सही है साथ में अगर आपको मार्केट का सपोर्ट मिल जाता है नेस्टेक निफ्टी का, जैसे निफ्टी कल डाउन गैप डाउन था इस वजह से मेरा बाय का टारगेट हिट नहीं हो पाया बाई साइड का, और आज जैसे सेल साइड के लिए मैंने ट्रेड लिया था तो मेरा सेल साइड के लिए मार्केट सपोर्ट किया तो मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मुझे मिल गया। ठीक है, तो कोशिश जब भी आप ट्रेड करो तो कोशिश ये करें कि मार्केट का डायरेक्शन भी एक बार चेक कर ले ओवरऑल, ताकि इसमें आपको क्या होता है कि आपका टारगेट थोड़ा सा आपको बड़े टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और स्टॉक आपका जो भी हो आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो वेल उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो ट्रेड मैंने ये लिया और आपको जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश करूँगा वीडियोस रेगुलर बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलो आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।